हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अ लेटर टू गॉड के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और इसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चंस हैं, जो कि आप समझिए। वेयर वॉज लंचोज हाउस सिचुएटेड, कि लंचो का हाउस जो है कहाँ सिचुएटेड था। तो यहाँ पे ऑप्शन है अब बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, इन अ सिटी। अब आप बताइए कि कहाँ पे स्थित था उसका घर। वो स्थित था टॉप ऑफ अ हिल, हिल के टॉप पर उसका घर स्थित था। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लंचो। देयर आर 5 ऑप्शंस, अ शॉवर, अ स्नोफॉल, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, सनलाइट। तो जो अर्थ को नीड थी जिस चीज़ की, वो क्या थी कि अ शॉवर। ओके, ये है इसका सही आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर डिज लंचो एक्सपेक्ट द डाउन पोर टू कम फ्रॉम। लंचो किधर से एक्सपेक्ट कर रहा था कि डाउनपोर आएगी। जो डाउनपोर मीन्स हल्की सी जो बारिश जो नीड कर रहा था अपने फसल में, वो किधर से आएगी। तो वो देख रहा था उधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो बादल मंडरा रहे हैं उनसे ऐसा लंचों को लग रहा था कि बारिश होने वाली है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड लंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। जो लार्ज लार्ज रेन ड्रॉप्स थी उनको लंचो किस चीज़ से कंपेयर कर रहा था। लार्ज रेन ड्रॉप्स को वो न्यू कॉइन्स से कंपेयर कर रहा था, और जो छोटी बूंदें थी उनको किस चीज़ से कंपेयर कर रहा था। वो थी जो स्मॉल कॉइन्स से कंपेयर कर रहा था, और 5 पेसोस से, ठीक। और बड़ी कॉइन्स को वो 10 सेंट से कंपेयर कर रहा था, और छोटी बूंदों को वो 5 सेंट से कंपेयर कर रहा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्रॉप वॉज ग्रोविंग ऑन लंचोस फील्ड। लंचो के मैदान में, लंचो के खेत में कौन सी क्रॉप थी। 4 ऑप्शंस इज, कॉर्न, बार्ले, राइस, नन ऑफ दीज। अब आप बताइए क्या थी। दैट इज कॉर्न, कॉर्न की फसल थी, भुट्टे की फसल थी उसके खेतों में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिस्ट्रॉयड लंचोस फील्ड। लंचो के मैदान को किस चीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टोरी में जब हम पढ़ते हैं और हम पाते हैं कि लंचो के मैदान को हेल स्टॉर्म्स ने बर्बाद किया था, जो बर्फ़ की जो बारिश हो गई थी उसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। द फील्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फील्ड लुक्ड एज इट इफ वर कवर्ड इन। जब हेल स्टॉर्म चला जाता है उसके बाद उसका जो फील्ड रहता है, उसका जो मैदान रहता है, वो कैसा दिखता है, किससे कवर्ड जैसा दिखता है। वो कवर्ड तो हेल स्टॉर्म्स रहता है, बर्फ से पूरा कवर्ड रहता है, लेकिन लगता है कि जैसे कि उसको नमक से कवर कर दिया, अगर सैल्ट से, सैल्ट, देयर इज आंसर इज सैल्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लंचो जो कंपेयर करता है, जो डैमेज उसके खेत में हुआ रहता है उसको किससे कंपेयर करता है। कंपेयर करता है वो प्लेग ऑफ लोकस्ट। वो कहता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का झुंड अगर आता तो शायद कुछ बचा देता, लेकिन ये हेल स्टॉर्म्स ने तो कुछ भी बचने नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। एंड वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लंचोज फैमिली। लंचो की फैमिली में क्या ओनली होप, कि मतलब क्या एक, सिर्फ एक क्या होप बच गई थी उन लोगों के पास। तो वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। इसीलिए तो उसने वो लेटर टू गॉड लिखा, लेटर भगवान के लिए लेटर लिखा। यही तो इसकी मेन थीम है इस लेसन की, हेल्प फ्रॉम गॉड। यही एक उनके अंदर होप थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच मनी डिड लंचो आस्क फॉर।
लंचो कितने मनी के लिए भगवान से मांगता है, कितना मनी भगवान से मांगता है? ऑप्शंस आर 100 पेसोस, 1000 पेसोस एंड 10 पेसोस, 500 पेसोस। तो राइट ऑप्शन इज 100 पेसोस। वो गॉड से 100 पेसोस की डिमांड करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। इसका मतलब है कि जब पोस्टमैन उस लेटर को देखता है तो उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जब पोस्टमैन और पोस्टमास्टर उस लेटर को देखते हैं तो वो क्या, कैसे हंसते हैं? हार्टली हंसते हैं, लाफिंग, बहुत ज़्यादा हंसते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्टमास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, वॉट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल की मीनिंग क्या है? देयर इज फोर ऑप्शंस, रूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली या इंथुजियास्टिक। एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली या फ्रेंड, ओके? फ्रेंडली बिहेवियर जो करे वो क्या है? एमिएबल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनके बारे में लेंचो की क्या थॉट बनती है? देयर इज फोर ऑप्शन, बंच ऑफ क्रुक्स, रूड, अनहेल्पफुल और प्राउड। ये चार ऑप्शंस हैं। वह लास्ट में जब उसे लंचों को 70 पेसोस मिलते हैं तो वो सोचता है कि जो पैसा था, जो 30 पेसोस जो काटा गया है, वह इन लोगों ने काट लिया है, भगवान का दिया हुआ। तो भगवान जी से वो रेस्ट ऑफ द मनी की डिमांड करता है, जो बची हुई मनी की डिमांड करता है और उनको बंच ऑफ क्रुक्स घोषित कर देता है। जिन्होंने उसकी मदद करी उनको वो बंच ऑफ क्रुक्स घोषित कर देता है। और ये थी एक्सरसाइज अ लेटर टू गॉड की। अब हम आगे के लेसन्स पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।